दोस्तों, आपको फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी है पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। यहाँ पर पाटलिपुत्रा के ग्राउंड में यहाँ पर एक डिज्नीलैंड मेला लगा है, उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। दोस्तों, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। दोस्तों, यह मेला 3 बजे से 11 बजे तक होने वाला है दोस्तों, और ये मेला दोस्तों 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और 21 तारीख तक यह मेला रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पाटलिपुत्रा ग्राउंड में यहाँ पर डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर 60 रुपये का टिकट होने वाला है, जो कि आपको एंट्री चार्ज यहाँ पर 60 रुपये लगने वाला है। और चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं क्या कुछ खास इस मेला में होने वाला है दोस्तों। तो इस ब्लॉग में बने रहें। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो इस चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। तो और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है इसके अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है दोस्तों, और 60 रुपये का टिकट लगने वाला है यहाँ पर डिज्नीलैंड मेला के लिए दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा अति बेच रहा है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया। और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या कुछ खास है ये पटना का डिज्नीलैंड पाटलिपुत्रा कॉलोनी में लगा हुआ है जो दोस्तों। डिज्नीलैंड का ये जो एड्रेस होने वाला है जो दोस्तों, पाटलिपुत्रा के ग्राउंड में यहाँ पर लगा हुआ है, कुर्जी तरफ यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। या पटना के कुर्जी तरफ पाटलिपुत्रा ग्राउंड में यहाँ पर डिज्नीलैंड लगा हुआ है, जो कि 9 तारीख से 21 तारीख तक रहने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी क्या खास है, और इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। तो बने रहे ब्लॉग में अंत तक। पाटलिपुत्रा ग्राउंड में यहाँ पर पार्किंग के लिए भी आपको मिल जाना वाला है दोस्तों। पार्किंग के लिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत सारा जगह है, और यहाँ पर पाटलिपुत्रा में लगा हुआ है डिज्नीलैंड मेला यहाँ पर ग्राउंड में, जो 60 रुपये का टिकट यहाँ पर लगने वाला है। और दुबई सिटी आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा, जलपरी आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ इस मेले में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो में आप बने रहें दोस्तों, और सारी चीज़ें हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60 रुपये का टिकट लगने वाला है दोस्तों। और चलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ खास होने वाला है ये पाटलिपुत्रा ग्राउंड में डिज्नीलैंड मेला। और काफ़ी खूबसूरत ढंग से सजाया गया दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। और चलते हैं गेट से अंदर और दिखाते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। पाटलिपुत्रा ग्राउंड आने के लिए सबसे आपको पहले कुर्जी रोड में यहाँ पर आना होगा दोस्तों। कुर्जी तरफ ही पाटलिपुत्रा ग्राउंड यहाँ पर है दोस्तों। अगर आप पटना से हैं तो ज़रूर जानते होंगे यहाँ जलपरी, और बहुत सारे यहाँ पर दुबई सिटी देखने को मिलेगा। काफ़ी खास होने वाला है यह मेला। तो इस ब्लॉग में बने रहे दोस्तों, और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे इस चैनल पर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है जलपरी को देखने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जलपरी को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। इसके लिए आप यहाँ पर आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जलपरी है बगल में ही, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उधर भी और एक इधर भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। काफ़ी यहाँ पर जलपरी को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों लोग। यहाँ पर जलपरी देखने को मिल रहा है, जो कि दो है यहाँ पर, देख सकते हैं एक जलपरी इधर है और एक जलपरी इधर, कलाकार यहाँ पर इधर है दोस्तों, देखने को मिल रहा है काफ़ी यहाँ पर। और अभी पटना भी स्टार्ट हुआ है, जो कि पाटलिपुत्रा के ग्राउंड में यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जलपरी को, यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं दोस्तों। और इसी के लिए लोग इतना टूट पड़ते हैं, भीड़ इतना इकट्ठा होता है दोस्तों। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जलपरी, दो जलपरी देखने को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, पटना के डिज्नीलैंड में दोस्तों, पाटलिपुत्रा ग्राउंड में लगा हुआ है।
काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर करतब यहाँ पर दिखाती है जलपरी दोस्तों, जो कि पटना के यहाँ पर पाटलिपुत्रा कॉलोनी यहाँ पर पाटलिपुत्रा ग्राउंड में लगा हुआ है दोस्तों। इसको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, और मेला यह 9 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जो कि 21 तारीख तक लगने वाला है दोस्तों, रहने वाला है दोस्तों। तो आप ज़रूर आइए, अगर पटना से हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए दोस्तों। मात्र 60 रुपये का टिकट होने वाला है दोस्तों। तो आगे दिखाते हैं, ये तो जल पर ही हम आपको दिखा दिए। अंडर वाटर फिश टनल के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों सेल भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कपड़ों का सेल भी देखने को मिलेगा, 100, 200 या 300 का यहाँ पर सेल दिखने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों के मनोरंजन के लिए और बहुत सारे दुकानें लगे हुए हैं दोस्तों, और औरत के लिए यहाँ पर लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ खास है दोस्तों, और बहुत सारे दुकान अभी लगने बाकी है। और दोस्तों कुछ कुछ दुकान अभी लग चुके हैं, अभी दोस्तों स्टार्ट ही हुआ है 9 तारीख को, और यहाँ पर कुछ कुछ दुकान लगे हुए हैं, और दोस्तों कुछ कुछ दुकान इधर खाली है दोस्तों, जो कि लगने अभी बाकी है। यह मेला 21 तारीख तक रहने वाला है पूरा, और दोस्तों देख सकते हैं कुछ दुकानें खाली है। कुछ पाटलिपुत्रा ग्राउंड में जो लगा हुआ है इसमें दोस्तों काफ़ी सारा अभी काम बचा हुआ है, 9 तारीख तो स्टार्ट तो हो गया है दोस्तों, और झूले का काम कुछ कुछ बचा हुआ है। झूला कौन सा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे दोस्तों। और देख सकते हैं अभी कुछ कुछ झूले यहाँ पर लगने बाकी है दोस्तों, और ये झूला स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, लोग चढ़े हुए हैं इस पर, और दिखाते हैं हम करीब से। ये झूला काफ़ी अमेजिंग है, और दुबई सिटी वहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, दुबई सिटी, और उसमें लाइटिंग अभी नहीं किया गया है, और काफ़ी खास तरह का यहाँ पर झूला देखने को मिलेगा यहाँ पटना के डिज्नीलैंड में, जो कि पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है दोस्तों। देख सकते हैं चालू हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी खास है ये झूला, और देखिए काफ़ी अमेजिंग लगता है ये, आप ट्राई किए हैं इस झूले पर? जितने झूले यहाँ पर पाटलिपुत्रा कॉलोनी ग्राउंड में यहाँ पर जो लगे हुए हैं, इसका प्राइस जो है डिसाइड अभी नहीं हुआ दोस्तों, अभी ये झूले लग ही रहे हैं, अभी पूरा झूला लगा नहीं है। और इधर देख सकते हैं हम मौत, यहाँ पे ब्रेक डांस लगा हुआ है, और उधर एक नाव है, और तारा माची लगा हुआ है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो आप आएंगे तो 2-3 दिन के बाद ही आइएगा दोस्तों, पूरा कम्प्लीट होने जाने के बाद ही दोस्तों। और तारामाची यार का दोस्तों 20-40 से 50 रुपये टिकट तो रहता ही है दोस्तों, और यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी झूले यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे झूले आपको बच्चों के लिए देखने को मिले। सबसे अमेजिंग झूला यही होने वाला है दोस्तों, इसका प्राइस हाई तो होगा ये दोस्तों, यह काफ़ी यूनिक झूला है। और इधर देख सकते हैं तारामाची लगा हुआ है, जो कि 50 से 60 रुपये टिकट इसका भी होने वाला है, और अभी ट्रायल चल रहा है, और यहाँ पर ट्राई करके देख रहे हैं। और इधर दुबई सिटी भी उधर है दोस्तों, दुबई सिटी जो बनाया गया है बुर्ज खलीफा, यहाँ पर देख सकते हैं बनाया गया दोस्तों, और उधर दुबई सिटी को यहाँ पर झांकियाँ दिखाने के लिए यहाँ पर बनाया गया, और बच्चों के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। उधर दोस्तों बुर्ज खलीफा देखने को मिल रहा है दोस्तों, अभी इधर देख सकते हैं ट्विन टावर बनाया गया है, और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले यहाँ पर चालू हो गए हैं, और इधर बड़ों के लिए भी झूले अभी चालू होने बाकी है दोस्तों। तो अभी 2-3 दिन बाद ही आइएगा दोस्तों, पूरा अभी चालू नहीं हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। 2-4 दिन के बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ देखने को मिलेगा, और ये झूला का सबसे अमेजिंग झूला यही है, ये पटना के डिज्नीलैंड में जो पाटलिपुत्रा ग्राउंड में लगा हुआ है। एक दूसरा अमेजिंग झूला देख सकते हैं दोस्तों, इस आप ट्राई किए हैं ऐसे झूले को? पाटलिपुत्रा ग्राउंड में जो डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है दोस्तों, यह 9 तारीख को स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और 21 तारीख तक रहने वाला है दोस्तों। तो अभी काफ़ी सारे दुकान नहीं लगे हैं, और आप अगर आइएगा तो 4 या 5 दिन के बाद ही आइए, और जलपरी को देखने के लिए वो मिलेगा दोस्तों। काफ़ी सारे यहाँ पर भीड़ बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों ये अभी अगर आना है आपको यहाँ पर तो पाटलिपुत्रा ग्राउंड में,
तो आप 2 या 4 दिन के बाद ही आइए दोस्तों, तो आपको भीड़ काफ़ी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।